ग्वालियर में शुरू हुई पोस्टर जंग। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ग्वालियर में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर शहर के दौरे पर आए थे। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर को बैनर और पोस्टरों से तैयार कर दिया था। उसी संख्या में 18 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा शहर के एयरपोर्ट से लेकर संपूर्ण चौराहे पर स्वागत के लिए बैनर व होल्डिंग लगाए हैं। आज प्रशासन ने कांग्रेस के सभी बैनर और होल्डिंग को उखाड़कर फेंक दिया। उसके विरोध में पूर्व मंत्री लाखन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आए हुए डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से SDM महोदय से बातचीत करके कांग्रेसियों ने अपना धरना समाप्त किया। इस अवसर पर ज्योतिराज सिंधिया जी का पुतला जलाकर उनके खिलाफ मुर्देबार के नारे लगाए गए। आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, आज ग्वालियर में इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रशासन और पुलिस को आगे करके किया जा रहा है, नगर निगम को आगे करके किया जा रहा है। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता के स्वागत और सम्मान में जो होर्डिंग और कटआउट लगाए थे उनको निकाला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ जब अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, ज्योतिराज जी आए थे ग्वालियर में, तो पूरा शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाट दिया। उस समय कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं करी, न पार्टी ने आपत्ति करी, लेकिन आज उनके पेट में दर्द होने लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए इतने बड़े हजूम के साथ निकल पड़े हैं। अभी तक केवल सिंधिया जी को अपना स्वागत अच्छा लगता था कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, आज कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनसे चार गुने ज़्यादा होर्डिंग लगे तो उनके पेट में दर्द होने लगा कि कांग्रेस। देखिए, आप ये पूरे प्रांगण में आप नज़र डाल लीजिए कि यहाँ भाजपा के भी होर्डिंग लगे हुए हैं और यहाँ कांग्रेस के भी लगे हुए थे, जो कि प्रशासन जो नगर निगम है, तानाशाही, लोकतंत्र के हथियारों, भाजपा सरकार के एक मतलब प्रशासन के दबाव में काम करते हैं, उन्होंने सारी होर्डिंग हटवा दी, सारे बैनर हटवा दिए। महाराजपुरा से इन लोगों ने ये काम शुरू किया। बताइए, जब भाजपा सिंधिया जी शिवराज जी आते हैं तो जो बैरिकेड्स होते हैं इस जगह भी लगते हैं, जो कटआउट्स होते हैं, लेकिन ये जो कि प्रशासन के दबाव में ये काम कर रहे हैं प्रशासन, उन्होंने सारे होर्डिंग्स हटवा दिए, जिसके चलते हम मंत्री, पूर्व मंत्री, सारा हजारों हमारे कार्यकर्ता, इवन आम जनता भी जो लोकतंत्र के साथ है आकर और ये फूलबाग चौराहे पे बैठे, हम ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। कैसे 18-19 तारीख को ग्वालियर की धरती पर कमलनाथ जी का मेगा शो था।